हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डील सेकर डेवलपमेंट इन एशिया। न्यूज़लेटर में भी इसका जिक्र किया गया था, तो आज उसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आखिर डील सेकर डेवलपमेंट में चल क्या रहा है, कहाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है और इंडिया का भी इसमें कुछ होने वाला है या नहीं, तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो 4 मार्च 2024 का जो न्यूज़ लेटर पब्लिश हुआ है उसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी गई थी, जिसका नाम था, मतलब जो हेडिंग थी कि डील सेकर डेवलपमेंट इन एशिया, यानी कि एशिया के अंदर जो डील सेकर पर डेवलपमेंट हो रहा है उसको ब्रीफ में यहाँ पर इन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिन देशों का इन्होंने जिक्र किया था, उसमें से हैं वियतनाम, थाईलैंड, हांगकॉन्ग और चाइना और इंडिया। इंडिया का भी इसमें जिक्र था कि डील सेकर पर इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो देखिए, पुराने टाइम की अगर हम बात करें, जब डील सेकर पर कार वगैरह मिल रही थी लोगों को, तो उस टाइम पर तो एक्चुअल में काम हो रहा था। अभी फिलहाल इंडिया में क्या कंडीशन है वो आप सभी जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने अपने एंड से जो बात की है, क्योंकि साउथ में अभी कुछ मर्चेंट हैं जो प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर कर रहे हैं। साउथ में मर्चेंट हैं वो एक अलग मैटर है, जो IGC मेंबर हैं सभी कंट्री के लिए बन गए हैं। फिलहाल चाइना में इन्होंने बताया कि चाइना में सबसे ज़्यादा काम जो है डील सेकर पर हो रहा है। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि डील सेकर ने चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, चाहे वो जो चाय बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, कुछ रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि FMGC के जो ब्रांड हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनसे कंपनी ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है। उनके मटेरियल को वो परचेज करते हैं, डील सेकर की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ उसको सेल करते हैं। तो डील सेकर के जो ज़्यादातर कस्टमर हैं वो चाइना से ही हैं, इसलिए कंपनी वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है उन लोगों को किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जाए, वहाँ पर जो वेंडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरीके से अपने वन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर कंपनी का ज़्यादा फोकस है। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई दूसरे नंबर पर इंडिया आए, तो इंडिया को भी कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में स्टेप उठाने से पहले जो इंडियन लीडर हैं, जैसे IGC मेंबर हैं या फिर जो कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उन्हें पहले आगे आना पड़ेगा। यही लोग लोगों को गाइड करेंगे, टीम को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इसको जो है रेगुलेट करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई इकोसिस्टम नहीं बन सकता, इंडिया में भी लोग पूरी तरीके से रेडी हैं इस सिस्टम को तैयार करने के लिए। इवन कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया था, अपने लोकल लेवल पर बन का पूरा सर्कुलेशन बनाया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट परेशान कर देता है कि अगर वन में इतनी सारी दिक्कतें हो गई बाद में भी, तो फिर क्या होगा, किस तरीके से, जैसे कुछ लीगल मैटर हो सकता है या और कुछ हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का जो समाधान निकलेगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा, वो ये कि डील सेकर इंडिया में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड इन द सेंस कि इनका एक फिजिकल ऑफिस हो जिसमें लीगली सारे काम हो, जिससे कि रिलायबिलिटी लोगों की बढ़ेगी कंपनी के प्रति, और तभी यहाँ पर ब्रांड जो है वो कांटेक्ट करेंगी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनसे कांटेक्ट करेंगी और वो जो है अपने प्रोडक्ट यहाँ पर फाइनली लिस्ट करेंगे सेल करने के लिए। पहले जो मर्चेंट ने डील लगाई थी उसमें जो फ्रॉड हुए हैं उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कंपनी ने अभी एक और सिस्टम एक्टिवेट किया है कि जो डील सेकर पर डील लगेंगी, जैसे जो हाई वैल्यू डील हैं, चाहे वो गोल्ड की डील हो, कार की डील हो या फिर फ्लैट की डील हो, तो उन डील को अप्रूव करने के लिए अब डील सेकर का जो डिपार्टमेंट है, डील सेकर की KYC डिपार्टमेंट है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि हाई वैल्यू डील जो है वो डील सेकर कंट्री मैनेजर भी अप्रूव करेंगे और IGC मेंबर भी करेंगे, KYC डिपार्टमेंट के लोग भी उस पर काम करेंगे, तभी उस डील को वेरीफाई किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बायर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, जो सेलर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या होगा कि एक बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट जो है डेवलप होगा। जैसे अभी आपने जो पुरानी गोल्ड या कार परचेज की थी, अगर आप उस ऑफिस पर भी जाकर देखें तो आपको वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एक्चुअल में टैक्स डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी क्या एड्रेस है, आप एक्चुअल में रहते कहाँ पर हैं, और इस टाइप का फ्रॉड अगर फ्यूचर में कोई करता है तो उसको किस तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा। इन चीज़ों पर कंपनी अभी स्पेशल जो है ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। ओवरऑल कहें तो स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जो इनिशिएशन है वो होने वाली है। एक और मेन पॉइंट है जिस पर ध्यान दिया जाना बाकी है, वो ये कि जैसे जैसे कोई मर्चेंट है, जैसे मान लो गोल्ड का मर्चेंट है या फिर कार का ही मर्चेंट है,
तो क्या वो डील सेकर पर डायरेक्टली आने से पहले अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में लिस्ट करता है, यानी कि अपनी कंट्री में अपने रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ भी ये डीलिंग वगैरह कर रहे हैं? जैसे कार का जो मर्चेंट था, उन्होंने किसी कार की फ्रेंचाइजी ली हुई थी क्या? इस टाइप की चीज़ों पर कंपनी अभी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इसी से मर्चेंट की जो बुनियाद है वो मजबूत होती है, और उसको डील सेकर पर लिस्ट होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता है। क्योंकि जैसे अभी केवाईसी डिपार्टमेंट जो करेगा वो उसी चीज़ को प्रूव करेगा कि ये बिजनेस रियल में कहीं पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसी से जो है स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। और यही डील सेकर का एशिया में जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है कि इस तरीके से स्टैंडर्ड को इम्प्रूवाइज या इम्प्रूव यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।